तड़का विद भावना और जय माता दी। आज है हमारी नौमी और जय माता दी। आज माता रानी का फुल भोजन बनेगा, कन्या भोजन बनेगा, तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम चना उबाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम चने को थोड़ा धो लेंगे और चने को हम एक कुकर में डाल देते हैं। और ये हम सादा ही भोजन बनाते हैं, जो माता रानी का भोजन होता है, प्रसाद होता है, वही बनाते हैं। तो सुबह के बज रहे हैं 5 और आज हम बनाने जा रहे हैं। तो ये हमने कुकर बंद कर हमने रख दिया है गैस पे, और एक सीटी के बाद अब ये देखिए हमारे चने उबल चुके हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। चने उबलने के बाद हम एक नेट पर निकाल लेंगे सभी चने, और ये चनों का सारा पानी एक बाउल में निकाल लेते हैं। और कढ़ाई रखने के बाद अब हम इसमें देखो कढ़ाई में तेल डाल दिया, थोड़ा गर्म होने दिया है, और फिर उसके बाद हम जीरा डाल देते हैं और इसे भूनने देंगे। इसमें डालेंगे आमचूर पाउडर, तो हमने डाल दिया है। और अब हम डालेंगे 1-2 चम्मच नमक, तो नमक डाल देते हैं हम और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो अब हमारे जो उबले हुए चने थे वो सारे डाल देंगे, और डालने के बाद अब हम कर लेंगे इसमें फ्राई। तो ये देखिए अच्छी तरीके से फ्राई कर दिया है हमने। और अब थोड़ी सी हमने, मैं भूल चुकी थी तो इसमें हल्दी डालना था, तो हम थोड़ा गैप कर हल्दी, ऐसे अगर आप भूल जाए तो हल्का सा गैप कर आप लोग भी हल्दी जो भी मसाला है वो डाल सकते, मिक्स कर देते हैं। अब हम डाल देते हैं इसमें 1-2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, और धनिया पाउडर डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। तो अब हम खीर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एक बाउल में, ये मेरा दूध है बिल्कुल अच्छे तरीके से, 2 लीटर बराबर दूध होगा, तो इसे थोड़ा 5 मिनट तक गर्म होने दिया है। और जो हमने चावल थे वो 3-4 बार आप पानी से धो लीजिए, और अच्छे से चावल साफ़ करने के बाद अब ये जो मेरे ड्राई फ्रूट्स है, इसमें पिस्ता है, काजू है और बादाम है, और ये मेरी इलायची, लौंग और काली मिर्च है। तो ये पीस लेते हैं कूट कर, उसके बाद हम इसमें दूध में डाल देते हैं, और दूध बहुत अच्छी तरह से जो चावल पक जाए तब तक। और इसमें मैंने 1 कटोरी चीनी डाल दी है, तो आप डाल मतलब आप अपने हिसाब से डालिएगा स्वाद अनुसार। तो ये देखिए मेरे ड्राई फ्रूट्स जो गरी वगैरह थी वो मैंने बिल्कुल छोटी छोटी काटी है, क्योंकि अच्छी लगती है खीर में छोटी छोटी गरी के टुकड़े। तो हम डाल काट कर और इसे है ना हम फ्लेम बंद कर देते हैं। तो ये मेरी 10 से 15 मिनट में हमारे चावल पक जाते हैं, उसके बाद हम चीनी डालते हैं और ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, और हमारी खीर बिल्कुल तैयार है। इसे भी हमने ढककर रख दिया है। तो अब हम एक कढ़ाई रखेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा घी। अब ये हम सूजी का तैयार कर रहे हैं, सूजी का हलवा माता रानी का। तो हम इसमें बिल्कुल एक नई ट्रिक दिखाऊंगी जो किसी ने ना देखी होगी। तो ये देखिए मैंने थोड़ा घी गरम कर दिया है, और ये मेरी जो सूजी है अब हम इसे भी डाल देंगे, थोड़ा घी गरम हो जाए तब हम सूजी डाल देते हैं। और सूजी डालने के बाद अब इसे हम 1-2 बार इसे अच्छे तरीके से ना बिल्कुल ब्राउन होने तक, लाल हो जाए बिल्कुल, तब तक हम चीनी, 1 कप चीनी डाल दी है, और उसे भी हम थोड़ा जब तक चीनी घुल ना जाए तब तक हम पकाएंगे। और ये देखो मैंने इसमें हल्का सा फूड कलर डाला है, ये आप डाल सकते हैं, अवॉइड भी कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर अच्छा रंग आएगा तो इसलिए आप डाल सकते हैं। तो ये मेरी चीनी बिल्कुल घुल चुकी है, और मेरे जो सूजी का कलर था बिल्कुल अच्छे से पक चुका था, रेड हो चुका था। तो अब मैंने इसमें धीरे धीरे करके चाशनी मिला दी है, ठीक है। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे, तो इससे बहुत जल्दी हलवा बनता है, बहुत जल्दी, क्योंकि आपको भूनना पड़ता है, फिर पानी डालना पड़ता है, फिर पकाना पड़ता है। तो इसमें कुछ नहीं है, बस आप डायरेक्ट एक फ्रेम में अलग से। तो अब हम गरी को घिस लिया है, और इसके ऊपर हम डाल देंगे। तो ये हमारा माता रानी का हलवा तैयार है, बहुत स्वादिष्ट बनता है, ऐसे ही बनाइएगा तो बहुत जल्दी भी बनेगा और अच्छे से। और इसमें ऊपर से हमने थोड़ी सी सब्जी बनाते हैं। तो सबसे पहले उसी कढ़ाई में हमने थोड़ा सा तेल गरम कर रखा है, और डाल दिया है ऊपर से जीरा, और ये मैं कस्तूरी मेथी आलू बना रही हूँ। तो इसमें एक फ्रेम में हम लोग पहले से थोड़ा सा पानी डालकर कस्तूरी मेथी को थोड़ा भिगो देंगे, क्योंकि इससे ना स्वाद बहुत अच्छे से आ जाता है जो कस्तूरी मेथी का होता है। तो इसमें मैंने नमक डाल दिया है तेल गर्म होते ही, और अब हम इसमें डाल देंगे आलू। ये मेरे उबले हुए आलू हैं, इसे मैंने 4 भागों में काट लिया था। और अब ऊपर से डालेंगे हम आमचूर, और अब डालेंगे 1 चम्मच हल्दी,
एक चम्मच लाल मिर्च, धनिया पाउडर, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। ये मेथी आलू बना रही हूँ क्योंकि माता रानी में हम रसीली भी सब्जी बनाते हैं, लेकिन इस बार हम मेथी आलू को बहुत अच्छी टेस्टी बनती है तो ये ज़रूर बनाते हैं हम लोग। तो बहुत जल्दी भी बनती है और बहुत टेस्टी भी लगती है, तो आप लोग बना सकते हैं। और मैंने इसे मिलाकर इसे ढक दिया है, तो इसे कस्तूरी मेथी का भिगो कर ना बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो ये देखिए मेरे 10 से 15 मिनट तक मैंने पकाया है और ये देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुकी है और बहुत टेस्टी लगती है। देखिए मेरी माता रानी की थाली तैयार हो चुकी है।